हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है 3055 एम्पलीफायर, इसको आज मैं इसमें जो है फ्रेंड न्यू ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल कैसे करते हैं इसके बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे फ्रेंड। तो चलिए, हमारा जो ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है, ट्रांसफार्मर को चेक कैसे करेंगे और इसमें न्यू ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल कैसे करेंगे, ये इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दूंगा। और ट्रांसफार्मर ख़राब होने के साथ साथ क्या क्या ख़राब हो सकता है इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा, बट उस चीज़ को रिपेयर करने के लिए मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। तो देखिए, ट्रांसफार्मर ख़राब होती है जनरली हाई वोल्टेज से, और कुछ नॉर्मली ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो है हमारा लाइन नहीं आ रहा है और 3055 एम्पलीफायर हमारा जो है ठीक है, लेकिन आपके साथ अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो क्या क्या ख़राब हो सकता है वो चीज़ मैं इस वीडियो में दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है बैक साइड में जो ट्रांजिस्टर लगी हुई सिल्वर कलर की, वो भी ख़राब हो जाती है ट्रांसफार्मर के साथ साथ, और बीच में छोटी छोटी ट्रांजिस्टर लगी हुई वो भी ख़राब हो जाती है और आवाज़ भी ख़राब आने लगती है, ये सारा चीज़ होती है। तो यहाँ पर न्यू ट्रांसफार्मर को मैं यहाँ इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पर कैपेसिटर भी कभी कभी उड़ जाती है हाई वोल्टेज के कारण। ट्रांसफार्मर का वायर भी सेकेंडरी साइड जो है, अगर सेकेंडरी साइड नहीं पता है तो सेकेंडरी साइड का वायर ख़राब होने से भी ऐसा प्रॉब्लम होता है और पावर नहीं आता है, तो सेकेंडरी वायर को भी चेंज करके अपना प्रॉब्लम को ट्रांसफार्मर को ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी रिपेयर नहीं हो तब जाके आप अपना जो है न्यू ट्रांसफार्मर का इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए, मैं ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए बताता हूँ कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो है ट्रांसफार्मर सही है कि नहीं। सही होने के बाद ही आप जो है सेकेंडरी वायर को चेंज करके अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए, मैंने सृष्टि स्लैम का मदद से यहाँ पर देखिए, जब भी मैं शूट कर रहा हूँ सृष्टि स्लैम से हमारा जो 100 वाट का लाइट जल रहा है। सृष्टि स्लैम का वीडियो जो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ वायर तो हमारा ठीक है, कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहा हूँ। तो ये वाले वायर पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। देखिए, इस पॉइंट में भी बता रहा है और ये वाली पॉइंट है, मतलब वायर हमारा ठीक है, लेकिन ट्रांसफार्मर के पास पूरा पूरी पावर जा रही है लेकिन मुझे आउटपुट सेक्शन में पावर नहीं मिल रही है फ्रेंड। तो इस चीज़ का जो सलूशन है कैसे चेक करेंगे ट्रांसफार्मर को, यहाँ पर पावर में लगा देंगे और उसके बाद जो ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे। तो चलिए, मैं एक बार वायर को फिर से चेक कर ले रहे हैं ताकि दोबारा कोई दिक्कत ना हो। और वायर को मैंने चेक कर लिया और एक बार मैं यहाँ पे पावर लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ ट्रांसफार्मर को पूरा तरीके से चेक करने के लिए। और मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लिया और पावर में लगा देते हैं। अब देखिए फ्रेंड, सेकेंडरी साइड में मैंने वायर को खोल के रखा हूँ, ट्रांसफार्मर का जो साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ये तीनों वायर को ट्रांसफार्मर से निकाल लेंगे और वायर को आपस में शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने से जो है आपका सृष्टि स्लैम जलना चाहिए, तो हमारा सृष्टि स्लैम नहीं जल रहा है, जो कि नया ट्रांसफार्मर भी आपको चेक करके दिखाऊँगा। अगर सृष्टि स्लैम जल जाए तो समझेंगे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर सही है, और सेकेंडरी साइड का जो वायर है वायर ख़राब होने की वजह से मुझे एम्पलीफायर में पावर नहीं मिल रही है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा जो है एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर को चेंज करेंगे और हमारा जो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यू ट्रांसफार्मर को मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कैसे इसमें भी दिखाना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर सारा चीज़ को चेक करेंगे वायर को छिल के, और आपको एक बार देखिए तीनों वायर को इसमें भी जोड़ दिया, जबकि यहाँ पे चेक करके दिखा रहा था। तो सेकेंडरी साइड के तीनों वायर का आपस में जोड़ दिया और यहाँ पर ट्रांसफार्मर का मेन लाइन में लगा रहा हूँ जो कि पावर लाइन है, और देखिए हमारा जो सृष्टि स्लैम जल रही है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे तीनों वायर को खोलूँगा तो हमारा सृष्टि स्लैम बंद हो जाएगा। तो एक वायर को मैंने फिलहाल खोला हूँ और एक वायर तरफ का चेक कर रहा हूँ। तो ऐसे आपस में शॉर्ट करके सेकेंडरी साइड को और सृष्टि स्लैम में चेक करना है कि हमारा सृष्टि स्लैम का लाइट जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो इससे जो आपका पता चलेगा ट्रांसफार्मर हमारा सही है या ख़राब है। तो देखिए जल रहा है, और एक बार और चेंज करके देखते हैं। आपस में चेंज करके देख लीजिएगा ताकि एक्यूरेट पता चल जाए
और ये देखिए श्री टेस्ट लैम्प हमारा सब तरफ से जल रही है। अब चलिए इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद भी जो आपका श्री टेस्ट लैम्प ओपन करने के बाद ब्लू ब्लू में जोड़ेंगे, हाँ ब्लू ब्लू में, और एक बार फिर चेक कर लेते हैं। देखिए श्री टेस्ट लैम्प यहाँ पर भी जल रहा है फ्रेंड। तो चलिए अब ओपन कर देते हैं इसको पूरी तरीके से और इस एम्पलीफायर वाला बोर्ड में इंस्टॉल करेंगे। जैसे फ्रेंड यहाँ पर देखिए एक बार ब्लू के और एक बार इसी तरह से चेक करेंगे ताकि पूरी तरीके से चेकअप हो जाए। अब चलिए फ्रेंड ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करेंगे और इजीली इंस्टॉल करके दिखाऊंगा जो कि कनेक्शन है। और इस तरह से चेक करने के लिए आपको कोई नहीं बताएगा जितना मैं तरीके से बता दिया आपको ट्रांसफार्मर चेक करने का। और एक तरीका और है चेक करने का मल्टीमीटर से, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें चेक करने से अच्छा है कि आप श्री टेस्ट लैम्प में चेक करें और एक सेकंड नहीं लगेगा कि हमारा ट्रांसफार्मर सही है या ख़राब है बताने के लिए। तो सबसे बेस्ट तरीका जो हमारा हिसाब से एक यही है, ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो या कुछ प्रॉब्लम हो श्री टेस्ट लैम्प में सही बता देगा और आपका जो है अनुमान लगा के सही से पता कर पाएंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर सही है ख़राब है या एग्जैक्टली पता कर पाएंगे मेरे हिसाब से। तो एक बार आप ज़रूर ऐसा ट्राई करके देखें ताकि आप अपने हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। तो फ्रेंड यहाँ पर दो वायर जो ब्लू ब्लू है ये दोनों वायर को ये दोनों पॉइंट में जोड़ना है और बीच वाली जो पॉइंट होती है ब्लू है कलर हो रेड कलर है कोई भी कलर हो उसको मतलब नहीं है फ्रेंड। तो यहाँ पे जो है ब्लू का दो पॉइंट जो है ये दो पॉइंट को इस डायोड वाली पॉइंट में जोड़ देंगे। यहाँ पर सेकंड साइड में देखेंगे फ्रेंड तो काला काला कलर का डायोड लगी हुई है जो कि नंबर तो नहीं बता सकते हैं लेकिन वहाँ पे डायोड का ही काम किया गया है। तो चलिए यहाँ पे GND ये जो मोटी मोटी परत है सामने में ही उस परत में GND ग्राउंड नेगेटिव पॉइंट जो होता है उस नेगेटिव पॉइंट में ये वाली पीला वाली वायर का जो बीच वाली ट्रांसफार्मर का वायर है वो वाली वायर को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे जो कि GND होता है हर एम्पलीफायर बोर्ड के लिए। यहाँ पे 20020 या 18018 15015 या 12012 इतने लगभग के ट्रांसफार्मर को यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं इस एम्पलीफायर बोर्ड में। तो चलिए हमारा जो है फ्रेंड यहाँ पे कनेक्शन हो गया, अब इसको लगाएंगे और पावर देके आपको दिखाएंगे हमारा एम्पलीफायर में पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैपेसिटर है, कैपेसिटर यहाँ पे बड़ी बड़ी लगा दें तो आपका एम्पलीफायर का कैपेसिटी जो है अच्छी क्वालिटी का साउंड मिलेगी। 4700 या उससे भी ज़्यादा वैल्यू का आप कैपेसिटर लगा सकते हैं जिससे कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 4700 का लगाएंगे तो काफ़ी बेस्ट रहेगा और उससे ज़्यादा का लगाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा इस बोर्ड में देखने को नहीं मिलेगा। तो 4700 बेस्ट रहेगा फ्रेंड अगर आपको लगाना है, मेरे पास एक जानकारी था मैंने दे दिया आपको। तो इस हिसाब से इस बोर्ड के लिए 4700 बेस्ट, 4700 50-60 वोल्ट का 63 वोल्ट लगा दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे पावर का कनेक्शन को कनेक्ट कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पे आपको ट्राई करके दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पे पावर का कनेक्शन को कनेक्ट। और फ्रेंड आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है, हमारा वीडियो को नहीं देखते हैं और देख रहे हैं तो फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड कमेंट तो ज़रूर करें कैसा वीडियो लगा, और कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं जानकारी से रिलेटेड वीडियो को बना पाऊँ और आपको जानकारी दे पाऊँ क्या प्रॉब्लम है और किस जगह पे क्या कनेक्शन होती है, किस प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है वहाँ तक मैं नॉलेज देने का ज़रूर ही ज़रूर कोशिश करूँगा फ्रेंड। तो फिलहाल मेरे पास जो नॉलेज था मैंने यहाँ पे दिया और इसका पूरा सर्किट डायग्राम के साथ डिफाइन करने के वीडियो चाहते हैं तो उसका भी मैं वीडियो जल्द ही बनाऊंगा और आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पे पावर में लगा लिया हूँ और देखिए हमारा पावर भी आ गया फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड आज का वीडियो यही था, तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।